आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले बाजार सूने पड़ते जा रहे हैं, त्योहार फीके होते जा रहे हैं और दुकान पर तो ग्राहक जैसे आ ही नहीं रहा है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे कारण क्या है। ऑनलाइन ई कॉमर्स का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है और यदि ऐसा ही निरंतर चलता रहा तो हिंदुस्तान की ऑफलाइन मार्केट या तो बंद हो जाएगी या बंद होने की कगार पर आ जाएगी, जिसके कारण भारत का आर्थिक विकास रुक जाएगा, भारत आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा और जिसका सीधा लाभ उन कंपनीज को होगा जो विदेशों में बैठकर भारत में ऑनलाइन ई कॉमर्स का व्यापार कर रही हैं। आज ऑनलाइन ई कॉमर्स के नाम पर ग्राहकों के साथ सस्ते कॉम्पिटिटिव प्राइस के नाम पर बहुत अधिक फ्रॉड किया जा रहा है, लेकिन इसका पता उन्हें जब चलता है जब वो ऑनलाइन परचेज कर चुके होते हैं। इसका सीधा नुकसान केवल ग्राहक को नहीं होता बल्कि इसका सीधा नुकसान तीन तरह से होता है। नंबर वन, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के प्राइस कंपैरिजन में प्राइस कंपैरिजन को देखते हुए सस्ते दामों के आधार पर ग्राहक जो चीज खरीदता है वास्तव में उसको डिलीवर नहीं किया जाता, कई बार उसको फर्स्ट कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी दे दी जाती है। दूसरा, सीधा नुकसान उस रिटेलर को होता है जिससे वो प्रोडक्ट खरीदने की संभावना थी जो नहीं हुई या खत्म हो गई। और तीसरा नुकसान देश को भी होता है, ये विदेशी कंपनी इंडिया में सस्ते दामों पर सेल के नाम पर पैसा भारत का विदेश में ले जाती है जिसकी वजह से देश को आर्थिक नुकसान होता है। मैं आपको बताता हूं ऐसे पांच उपाय जिन्हें अपनाने पर ऑफलाइन व्यापार तेजी से बढ़ेगा, ऑनलाइन का फ्रॉड रुकेगा और भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनेगा और दुकानों पर ग्राहक भर भर कर आएंगे। दोस्तों, जब आप ऑफलाइन खरीदारी करने जाते हैं तो ऑफलाइन में आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना नहीं होती, जबकि वास्तविकता में जो प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है वो वैसा नहीं होता जैसा दिखाया जाता है। ऑफलाइन परचेजिंग में गारंटी और वारंटी को लेने के लिए कई बार आप दुकानदार के माध्यम से सीधा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और रिप्लेसमेंट या वारंटी को आसानी से ले सकते हैं, जबकि ऑनलाइन परचेज में नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को लेकर गारंटी और वारंटी लेते समय कंज्यूमर का मैन्युफैक्चरर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट पर दी हुई गारंटी और वारंटी को ग्राहक अवेल नहीं कर पाता और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। ऑफलाइन मार्केट में ग्राहक का फ्लो रुक जाता है जिसकी वजह से व्यापारिक दृष्टि से आर्थिक प्रगति रुक जाती है। दूसरा, आप उस देश को आर्थिक रूप में मजबूत करते हैं जिस देश की वो ऑनलाइन कंपनी होती है। साथ ही साथ आप उन हैकर्स की निगाह में आ जाते हैं जो हमेशा आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन के माध्यम से आपके साथ फ्रॉड करना चाहते हैं। ऑफलाइन मार्केट में एक शॉपकीपर को, एक दुकानदार को अपने ग्राहक से निरंतर बार बार मिलना होता है, इसीलिए वो कभी भी कोई गलत इंफॉर्मेशन, कच्चा वादा या झूठी इंफॉर्मेशन के माध्यम से प्रोडक्ट सेल नहीं करता। जबकि ऑनलाइन में ग्राहक को सीधा कंपनी से मिलना नहीं होता तो बहुत सारे लुभावने वादों के साथ वो अपने प्रोडक्ट को कम दामों पर बाजार में बेच देते हैं और आफ्टर सेल सर्विस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ऑफलाइन मार्केट में व्यापारी ज्यादातर आसानी से वेरीफाई किए जा सकते हैं, उनकी दुकान कौन सी है, उसका मालिक कौन है, यदि किसी भी तरह का फ्रॉड हो तो आप आसानी से उस व्यक्ति से मिल सकते हैं। जबकि ये देखा गया है कि ऑनलाइन सेलिंग में कई बार जो सेलर है वो वेरीफाइड नहीं होता, जिसकी वजह से वो या तो फर्स्ट कॉपी, डुप्लीकेट या सेकेंड कॉपी ग्राहक को एस्टेब्लिश ब्रांडेड प्रोडक्ट के नाम पर बेच देता है। देश के छोटे, मध्यम व सामान्य वर्ग के व्यापारियों को यदि मोदी जी बचाना चाहते हैं तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री पर अतिरिक्त टैक्स या भार लगाना चाहिए, जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन को छोड़कर ऑफलाइन मार्केट में आए, ताकि देश आर्थिक रूप से मजबूत बने और व्यापारी वर्ग भी खुशहाल रहे। और एक सामान्य बात जो सभी छोटे, मध्यम और सामान्य वर्ग के व्यापारियों में देखी गई है, ये लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के एक्सपर्ट नहीं होते, ये कंज्यूमर की साइकोलॉजी के साथ खेलना नहीं जानते, जबकि ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ, बड़ी बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ व्यापार को दबाने के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आती हैं और
कंज्यूमर के साथ बहुत अधिक फ्रॉड करती हैं। मैं देश के युवाओं से भी एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश के युवा जिनका रुझान ऑनलाइन बाइंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं और फर्स्ट कॉपी या फेक प्रोडक्ट कैसे होते हैं। आप ये कोशिश करें कि उन दोनों का कंपैरिजन करें, पहचानें कि फर्स्ट कॉपी और डुप्लीकेट प्रोडक्ट और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है, और ये आपको तब पता लगेगा जब आप ऑनलाइन परचेज करने से पहले वही प्रोडक्ट जेन्युइनली जाकर शॉप पर चेक करें, देखें उसकी क्वालिटी को, देखें उसके प्राइस को कंपेयर करें, और तब यदि आपको लगता है कि मुझे हमारे देश को आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाना है तो ऑफलाइन जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदें, जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदें। और एक कमी जो हमारे व्यापारी भाइयों की तरफ से भी है, छोटे व्यापार, मध्यम व्यापार या सामान्य व्यापार, वो लोग मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को नहीं जानते, जिसकी वजह से बहुत बड़े मार्केट शेयर को वो कैप्चर नहीं कर पाते, और ई कॉमर्स इंडस्ट्री मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ब्रांड प्रमोशन के माध्यम से एक बहुत बड़े ग्राहक को लुभाने में सक्षम होती है। तो आप भी इस तरह की स्ट्रेटेजी को सीखें, समझें, अपने व्यापार में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन करें, ताकि आप अपने व्यापार को तेजी से डेवलप कर सकें। सभी व्यापारी भाइयों से मेरा अनुरोध है, यदि आप अपने व्यापार को बचाना चाहते हैं, यदि आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, यदि आप देश को आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को सभी व्यापारी भाइयों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ उन ग्राहकों के साथ शेयर जरूर करें जो आपकी शॉप पर आने के बाद आपको ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन दिखाकर आपके मन को तोड़ देते हैं। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।